اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم من طائفه منهم معك ولياخذوا منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حجرهم واسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده ولا جناح عليكم ان كان بكم عزم من مطر او كنتم مرضى ان تزعوا اسلحتكم وخذوا حجركم इन आदरी का फरीन आजाब महना और जब आप उनमें तशरीफ रखते हों फिर आप उनको नमाज़ पढ़ाना चाहें तो यूँ चाहिए कि उनमें से एक गिरोह तो आपके साथ खड़े हों हो जाएँ और वो लोग हथियार ले लें फिर जब ये लोग सद् कर चुके हैं तो ये लोग तुम्हारे पीछे हो जाएँ और दूसरे गिरोह जिन्होंने अभी नमाज नहीं पढ़ी आ जावे और आपके साथ नमाज़ पढ़ ले और ये लोग भी अपने बचाव का सामान और आप अपने हथियार ले लें काफ़ी लोग यूँ चाहते हैं कि अगर तुम अपने हथियारों और सामानों से गाफिर हो जाओ तो तुम पर इकबालगी हमला कर बैठे हैं और अगर तुमको बारिश की वजह से तकलीफ़ हो या तुम बीमार हो तो तुमको इसमें कुछ गुनाह नहीं क्या हथियार उतार रखो और अपना बचाव ले लो और अपना बचाव ले लो मेरा शुभ अल्लाह काफिरों के लिए सज़ा एहानत आमेज तैयार कर रखी है सुर निशा की 102 नंबर की आयत पढ़ी गई है बड़ी आयत है इस आयतः करीमा के अंदर अल्लाह ने मुसलमानों को एक और नमत का तस्करा फरमाया है गुदशा आयत में अल्लाह मुसाफिरों के लिए नमाज के अंदर कमी का हुक्म बयान फरमाया था कि अगर तुम शर्यी सफ़र करो यानी अड़तालीस मील या अठहत्तर किलोमीटर और पंद्रह दिन से कम का तुम्हारा इरादा हो तो ऐसे मौके पर चार रकात वाली नमाज को आधी नमाज पढ़ो यानी दो रकात नमाज़ पढ़ो और सुन्नत के अंदर जैसा हमारे भाई ने कर पूछा सुन्नत सुन्नत के अंदर कोई कमी वाकई नहीं होगी उसके अंदर गुंजाइश भी है कि पूरी सुन्नत पढ़ है लेकिन फ़जर की सुन्नत और वितर ये दो तो पढ़ लेना चाहिए क्योंकि फ़जर की सुन्नत की बड़ी अहमियत है तमाम सुन्नतों में सबसे ज़्यादा अहमियत फ़जर की सुन्नत के और वितर की जो नमाज है वो वाजिब है तो वितर भी पढ़ लें और फजर की सुन्नत का भी एहतमाम करें सफ़र की हालत में भी और अगर कोई गुंजाइश ना हो सवारी के छूट जाने का ख़तरा हो तो ऐसे मौक़ों पर भी शरीय ने रायत रखी है क्या सुनत छोड़ दे तो कोई जो गलत नहीं है इस आहित करीमा के अंदर एक सौ दो नंबर की जो आयत इस वक्त पढ़ी गई है क़रीमा के अंदर अल्लाह तक और मसला बयान फरमाया वो ये इसीमा का पहले शान नजूर बयान करता हूँ मैं अल्लाह के रसूल सल अल्लाम एक लड़ाई के मौके पर जोहर की नमाज़ अदा फरमा रहे थे और ये मकाम जहाँ जोहर की नमाज़ अदा फरमा रहे थे मकाम अस्पहान जो अरब मुल्कों में अभी भी ये मक़ाम है अल्लाह के रसूल वसल्लम जोहर की नमाज़ अदा, अदा फरमा रहे थे जब जोहर की नमाज़ अदा फरमा चुके तो काफिरों का लश्कर जिसके जिसकी क़्यादत हजरत ख़ालद बिन वरीद कर रहे थे उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे बाद में इन्होंने ईमान कबूल किया इसरा कबूल किया तो काफिरों ने अफसोस करना शुरू कर दिया कि देखो मुसलमान लोग नमाज़ के अंदर मशगूल थे एक यकबारगी अगर हमला करके मुसलमानों को हम मलिया मेट कर सकते थे बहुत अच्छा मौका था हम लोगों के पास कि मुसलमानों को हम लोग मार देते कत्ल कर देते उसका नुकसान कर देते तो जहर की नमाज़ हो गई अच्छा काफिरों ने क्या कहा अच्छा ठीक है अब तो ये नमाज हो गई है आगे की जो नमाज आने वाली है यानी असर की नमाज़ असर की नमाज़ में जब ये लोग मशगूल होंगे तो हम लोग जकबारगी हमला करके मुसलमानों को मिटा देंगे उसको नुकसान अजीब पहुँचा देंगे ये काफिरों ने मशवरा किया लेकिन अल्लाह ताली सबकी सुनता सबको देखता है हजरत जबरी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा और ये आयत करीमा उतारी इस आयत करीमा के अंदर सलात खौफ़ यानी खौफ के वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म जब दुश्मनों का ख़तरा हो और दुश्मनों के हमले का इम्कान हो तो ऐसे मौके पर शरीय ने यह हुक्म दिया कि तुम लोग नमाज़ खौफ अदा करो और उसका तरीक़ा क्या है जाहिर बात है जिहाद का हुक्म था इससे पहले क्यात में और हिजरत का हुक्म था तो जिहाद करने के लिए अल्लाह के रसूल वसल्लम लंबी मसाफत और लंबा सफ़र तय करते थे तो मसाफरी होते थे तो अल्लाह ताली ने यह आयत करीमा उतारी और इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तला ने सलात खौफ

एक गिरो तो आपके पीछे एक रकात पढ़ ले एक गिरो आपके पीछे एक रकात पढ़ ले उसके बाद वो एक रकात पढ़ करके दुश्मनों के जो सामने चला जाए और आप उस वक्त तक बैठे रहें दूसरा गिरो फिर आ करके आपके पीछे एक रकात पढ़े इस तरीके से इमाम की दो रकात हो गई और मुख्तरियों की एक रकात पहले गिरोह की हुई दूसरे गिरोह की एक रकात अब हुई ये दूसरा गिरोह एक रकात पढ़ करके चला जाए और पहला वाला गिरोह जो एक रकात पढ़ करके गया था वो आकर के तनहा एक रकात पढ़ ले तन्हा एक रकात पढ़ ले इमाम की दो रकात हो गई इमाम फारिग हो गए हो लेकिन वो आकर के एक रकात पढ़ ले उसके बाद फिर इसकी दो रकात हो गई पहले गिरोह की पहला गिरोह चला जाए दुश्मनों के सामने फिर वो दूसरा गिरोह आए और तनहा तनहा वो दूसरा गिरोह भी एक रकात पढ़ ले और एक रकात पढ़ करके जाहिर बात से दो रकात हो गई तो ये तरीका नमाज का बताया गया खौफ के वक्त जब दुश्मनों का खौफ हो खतरा हो दुश्मनों के हमला का खतरा हो इम्कान हो तो ऐसे मौकों पर यह नमाज पढ़ने का तरीक़ा बताया गया और यह भी साहित्य करीमा के अंदर हुक्म दिया गया कि जब आप नमाज अदा करें मुसलमान नमाज अदा करें तो अपने हथियारों को अपने पास ही रखा करें दूर न रख दें क्यों हो सकता है कि नमाज च हालत में दुश्मनों ने हमला कर दिया तो इतनी देर में तो नुकसान कर जाएंगे दुश्मन तो मुसलमानों के पास हथियार होना चाहिए करीब में ताकि अगर दुश्मन एक बार ये हमला कर दे तो उसके दिफा के लिए देर ना लगे फ़ौर हथियार उठाकर मुसलमान काफ़ी रोज मुकाबले के लिए सामने हो जाए तो हथियार रखने का भी हुक्म है लेकिन फिर अल्लाह ताला ने एक और दूसरा हुक्म दिया कि अगर बारिश हो या कोई बीमार हो तो ऐसे लोगों के लिए ये हुक्म है कि वो हथियार को अगर रख दें तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं दूसरी जो निहायत ही अहम बात है इस आयत करीमा के अंदर दूसरी बात क्या है जो निहायत है और हम लोगों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया चाहे दुश्मन का खौफ हो तुम्हारी जान जाने का खतरा हो जब भी तुम जमात के साथ नमाज पढ़ने का अहतमाम करो देखिए कैसा मौका अल्लाह ताला फरमाए दुश्मनों के हमला करने का खतरा हो जब भी आप मुसलमानों के दो गिरोह बना दीजिए एक गिरोह दुश्मन के सामने जाकर खड़ा हो जाए और एक गिरोह जो है नमाज आपके साथ पढ़े फिर उसकी नमाज एक रकात हो आ जाए फिर वो गिरोह जो दुश्मनों के सामने था वो आकर के आपके साथ नमाज पढ़े फिर जो है एक रकात पढ़ करके वो चला जाए फिर पहला वाला गिरोह आकर दो रक़ात एक रकात पढ़ ले दो रकात हो जाएगी फिर इसकी दो रकात होने के बाद चला जाए फिर वो दूसरा गिरोह आकर के नमाज पढ़े जमात की कितनी ताकीद है

और मुसलमानों को कोई नमाज पढ़ने का मौका ही ना मिले दुश्मन हर वक्त जो स्तर पर खड़ा हो कि नमाज के अंदर शरीक होंगे दुश्मन जो है मार देगा ऐसे मौके पर अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है कि दुश्मनों को मुकाबला करें जब मौका मिल जाए नमाज आप कदा कर लें तो गजब हज़ाब के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्ला पाँच नमाजें कदा हो गई थी पाँच नमाजें इसके अलावा कभी भी हमारे रबी सल्ला एक बार फजर की नमाज भी कदा हुई थी इन ए, एक दो मौके के अलावा कोई ऐसा मौका नहीं आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात का एहतमाम न किया हो जमात नमाज न पढ़ी हो इतना एहतमाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे जमात का एहतमाम इतना था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल ये चाहता है कि मैं अपनी जगह पर किसी को नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दू और नौजवानों से ये कहूँ कि लकड़ियों के ईंधन जमा करो फिर उन लोगों के घरों को आग लगा दू जो बगैर उज्र के जमात के अंदर शरीक नहीं होते बगैर उज्र के जमात के अंदर शरीक नहीं होते ऐसे लोगों के घरों को मैं आग लगा करके जला दू और ये जो पांच नमाजें नमाजेंजा हुई थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर बदवाए फरमाई थी या अल्लाह जिनकी वजह से मेरी नमाजें कजा हुई उन लोगों के घरों को आग का ईंधन बना दीजिए आप आग।, आग का अंगारा बना दीजिए आप कितना नाराज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए तो इशाइ के रमा के अंदर भी जमात का इतना अहतमाम है शरीयत के अंदर जमात का इतना अहतमाम होने के बावजूद आज मुसलमानों को इसकी कोई फिक्र नहीं जमात का तो क्या छोड़ दिए फजर फ़जर की रमाज में कितने लोग आए जहर में कितने आएंगे, असर में कितने लोग नमाज़ पढ़ेंगे ईशा में फ़जर में कितने लोग पढ़ेंगे जमात का तो जाने दीजिए नमाज ही पढ़ना नहीं मुसलमानों को गंवारा है जुमे के दिन देखिए छब बरात में देखिए छब कदर में देखिए छब बरात में देखिए ऊपर नीचे फूल कई जगह नहीं मिलती जो पुराने लोग बेचारे नमाज के आदि है उनको जगह नहीं मिलती पहली सब में उनको बेचारों को पीछे नमाज पढ़नी पड़ती क्यों वो नए लोग आते बिल्कुल नए नए लोग आए नहीं जिसको कभी देखा नहीं गया वो आकर के नमाज पढ़ते इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों का नब्बे फीसद तबका बेनमाजी है बहुत सारे लोग ऐसे जो कभी नमाज ही नहीं पढ़ते ईद बकरीद भी नहीं पढ़ने वाले लोग हैं जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ने वाले लोग हैं तो पता ये चराग जब मुसलमानों का जो सबसे बड़ा हथियार था नमाज अल्लाह से मांगने के, करना, जिसके के हो सकता था तो अल्लाह की मदद और अल्लाह की नुसरत कहाँ से आएगी इसकेमा के अंदर सबक मिलता है कि अल्लाह ने किसी भी हाल में जमात से नमाज पढ़ने का मुसलमानों को हुक्म दिया है अल्लाह तला से दुआ है कि अल्लाह तमाम मुसलमानों को पंज वक्ता जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की तोफ़ी क़ता फ़रमाए सुबह सुबह